कीर्ति मुकेश जैन दिल्ली से, उन्होंने अपने एक प्रशिक्षु विवेक जैन का प्रश्न प्रस्तुत किया है। वो ये जानना चाहते हैं कि नाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसका क्या असर हमारी मानसिकता पर पड़ता है। देखिए, नाम का मेरी राय में कोई खास महत्व नहीं। नाम तो केवल व्यवहार चलाने का साधन है। कुछ लोग हैं जो नामों को बड़ा महत्व देते हैं। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज आपका नाम ठीक नहीं है। क्या मतलब? बोले, संध्याक्षर से आपका नाम है। हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर का नाम संध्याक्षर से था, और तुम बोल रहा नाम ठीक नहीं है। बोले, नाम ठीक हो या ना हो, मेरा काम ठीक है कि नहीं ये देख। हम नाम पर नहीं, काम पर विश्वास करते हैं। और ऐसे कई मैंने उसे गिना दिए कि जिनके संध्याक्षर से नाम है और जीवन बड़ा उत्तम है। तो नाम को लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, फिर भी नाम ऐसे रखने चाहिए जो हमारे संस्कृति के अनुकूल हो और उसका कोई अर्थ हो। जहाँ तक नाम के प्रभाव की बात है, एक बुंदेलखंडी घटना मुझे याद आ गई। एक आदमी था, उसका नाम था ठन ठन पाल। क्या नाम था? ठन ठन पाल। उसे अखरा कि मेरा ये नाम ठीक सा नहीं है। ठन ठन पाल किसी को बोले तो अच्छा थोड़ी होगा। उसने सोचा, मैं अपना नाम बदल लूं। अब नाम बदलूं तो कौन सा नाम लूं, देखूं। चलो निकला, दो चार को मिलूं, जिसका नाम अच्छा लगेगा वो नाम अपना रख लूंगा। तो एक महिला को उसने देखा जो बड़ी फटेहाल कपड़ों के नाम पर चीथड़े पहनी थी और कंडे बीन रही थी। कंडे समझते हैं? पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, लक्ष्मी। लक्ष्मी और कंडा बीन रही, बड़ा आश्चर्य। आगे गया तो एक खेत में एक व्यक्ति खेत जोत रहा था और शरीर में कपड़ों के नाम पर आधी फटी धोती पहना था। उससे पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम? बोला, धनपाल। धनपाल और इतना फटेहाल, बड़ा आश्चर्य। अब और आगे बढ़ा तो एक शव यात्रा आ रही थी। पूछा, कौन मर गए? बोला, अमर सिंह। कौन मर गए? बोला, अमर सिंह। तो उसने कहा, लक्ष्मी कंडा बीनती। क्या? लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल। लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल। और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन ठन पाल। हम ठन ठन पाल ही ठीक है। इसलिए नामों में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, काम रखना चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्रों में बच्चों के नामकरण के लिए एक व्यवस्था दी। वो व्यवस्था उन्होंने दी कि तीर्थंकरों के 1008 नामों को एक जगह डाल दो और चिटपट विधि से उसके भाग का जो शब्द निकले उसके आश्रित नाम लिखो। पर यह व्यवहार चलाने का एक साधन मात्र है। केवल नाम बदलने से जीवन बदल जाए, ये भ्रम है। सोनल जी कुछ बोलना चाहेंगे? इससे पहले इसको कर लेना, तुम बोलो पहले। अच्छा, हाँ, नमस्ते महाराज जी। मैं इसमें ये भावना युक्त में उसमें ही जाना चाह रहा था, ऊर्जा प्रवाह में। कहते हैं कि शब्दों की अपनी एक ऊर्जा होती है जो अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। हाँ। तो उसकी एग्रा होती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक ये प्रश्न आया होगा वो ये है कि अगर किसी का जो शब्द है वो नाम है तो क्या वो किस प्रकार की ऊर्जा और एनर्जी को वहाँ पर करेगा? नाम में ऊर्जा नहीं है, भाव में ऊर्जा है। अब मान लो किसी के पति का नाम महावीर, एक का तो पति का नाम महावीर था, महावीर भगवान का ही नाम ना ले, हमारे पति का नाम, तो इससे क्या होगा? तो ऊर्जा हमारे भावों से है, शब्दों से नहीं। शब्द में ऊर्जा तब प्रकट होती है जब हम वैसा भाव संप्रेषण करें।